आभार प्रकट करना चाहता हूं। विपरीत स्थिति होने के कारण भले ही हम परासिया कम वोट से जीते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है और इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। तीन प्रदेशों में चुनाव हुआ। छिंदवाड़ा तीनों प्रदेश में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां सारे के सारे विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आई, तो इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अगले 1.5-2 महीने में होने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, इसलिए गुटबाजी होती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में गुटबाजी नहीं होती क्योंकि एक ही उम्मीदवार होता है। और इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूं। तो ये जो अफवाह चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो मुझे आप सबसे यही उम्मीद है, 42 साल आपने कमलनाथ जी और नाथ परिवार का साथ दिया है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद नाथ परिवार को देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।